आज का जो सनराइज 5:45 पर है और मैं अभी नगरकोट के हूँ अंदर। रात को आ गया था तो अब चलते हैं यहाँ से नगरकोट के अंदर सनराइज का मजा लेने। और नेपाली ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू। कुछ साथ में मिल जाएगा इसके, कुछ साथ में खाने का होगा। हाँ राइट, ये कितने का है? 10 नेपाली, 10 रुपए का। ये देखो, जैसे 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 सूरज निकल रहा है ना, वैसे वैसे बादलों की रोशनी पड़ रही है। देखो वो बादल पीले होते जा रहे हैं, देखो ना, जैसे कि अभी वो उस तरफ वो वाइट था, वहाँ पीला हो गया। दो मिनट तो मुझे समझने में लगता है मैं कहाँ हूँ, किस गोले पे हूँ, कौन से स्पेस पे हूँ, आखिरकार उठ गया। बट थोड़ा बहुत टाइम लगता है यार अभी याददाश्त आने में। तो चलते हैं आज, लेट्स गो, तैयारी करते हैं चल के फटाफट। गुड मॉर्निंग गाइस, तो मैं सो के उठ चुका हूँ। कहते हैं क्या कहा है कि आज का जो सनराइज 5:45 पर है और मैं अभी नगरकोट के हूँ अंदर। रात को आ गया था तो अब चलते हैं यहाँ से नगरकोट के अंदर सनराइज का मजा लेने और देखते हैं क्या क्या एक्सप्लोर कर सकते हैं यहाँ पर। तो ये है नगरकोट का सुबह सुबह मॉर्निंग का हॉटल का व्यू। और बाहर आ गया, आ चुका हूँ मैं, यहाँ से निकलूँगा सीधे अभी नगरकोट से। सनराइज़ देखने का बहुत अलग ही मज़ा है यहाँ पर, क्योंकि तो ये काठमांडू से भी काफ़ी ऊपर है, बहुत ज़्यादा ऊपर है। मुझे यहाँ आने में लगे थे कल 7 से 8 घंटे। तो सर के देखते हैं यहाँ से सनराइज़ कहाँ से होता है, दिखाता हूँ मैं आपको भी आज। ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, इस टाइम जो पीछे एरिया है ना, ये है नगरकोट का सनराइज़ एरिया, जहाँ से आपको सूरज निकलने का, डूबने का आप यहाँ से मज़ा ले सकते हैं। और इसलिए मैं आया हूँ यहाँ पर सुबह सुबह। और यहाँ से हिमालय की चोटी भी दिखती है। और ये काठमांडू से 2170 किलो ऊपर है, यानी कि बहुत ज़्यादा ऊपर है उससे। और यहाँ का जो मौसम है आपने देख ही लिया होगा, ताकि मैंने सुबह जैकेट पहन रखी है, जैकेट मैं कैरी करके ले आया था, ताकि मुझे पता है यहाँ पर ठंड का मौसम है। क्योंकि ये पूरा इलाका जो आप देखें कितना मस्त लग रहा है, मैं आपको एक बार व्यू दिखाता हूँ। पहले आप व्यू देखो, ये सारा पहाड़ी इलाका है, बहुत ऊपर है, अभी सनराइज होने वाला है यहाँ से। और यहाँ से भी सनराइज होगा तो वो सामने, यहाँ से हिमालय की चोटी भी दिखती है सामने, जो आप देख रहे होंगे वो है हिमालय की चोटी, बर्फ़ से ढकी हुई। वो भी सनराइज़ वहाँ से होएगा, यहाँ से निकलने वाला है बस। और इसीलिए मैं यहाँ पर आया हूँ नगरकोट में स्पेशलिस्ट। और ये जो आप देख रहे हैं ना सामने वाइट वाइट सा, ये बादल है, बादल इतना नीचा बादल मैंने आज तक तो कभी नहीं देखा भाई। उसके पीछे पहाड़, फिर सनराइज, वाह मज़ा आ गया भाई, मज़ा आ गया। और समझ ही समझता हूँ भाई, मौसम एकदम, वेदर थोड़ा सा साफ नहीं है, बट वो देखो सामने बादल, वो पहाड़ के से नीचे से निकलता हुआ सूरज, वो तो किरणें दिख रही ना, वो रोशनी पड़ रही है अभी बादल के पीछे। तो अब हो चुका है इसका सनराइज़। तो भाई फाइनली आज मैंने सनराइज़ भी देख लिया नगरकोट के अंदर। और भाई जो आप वो देखो नीचे, तो ये नीचे जो है सारा बादल है, ये नीचे का एरिया बादल है, और वहाँ पर सामने सूरज सनराइज लिख हो रहा है। तो यहाँ तो किरणें भी दिख रही हैं। और उसके पीछे ये जो आपको दिख रहा है वो माउंट एवरेस्ट है सारा। यहाँ बहुत सारे आपको माउंट एवरेस्ट मिल जाएंगे, अलग अलग तरीके के नाम वाले। तो भाई नगरकोट के अंदर क्या ही व्यू आ रहा है यहाँ पर। सूरज निकला है, चीरता हुआ अपना बादलों को, चीरता हुआ थोड़ा सा दिखाया अभी, तो काफ़ी देर बाद अभी सनराइज हो गया। मौसम का जो वेदर है ना यहाँ पर, एक्चुअली वेदर थोड़ा सा पहाड़ों पे ना कम ही रहता है साफ, तो इसलिए देखो उसकी एक किरण वहाँ दिख रही है आपको, सूरज की एक ही वाली किरण दिख रही है। और एक देखो ये बादलों पर पड़ी सीधी, तीन किरणें दिख चुकी है अपनी सनराइज़ की। और जितना भी सारा जाएगा ना येलो येलो कलर छा रहा है, ये सब उसी का ही है। तो उस पहाड़ के पीछे से निकल रहा है सूरज, ये है नगरकोट, और उसके पीछे है माउंट एवरेस्ट। भाई यार सनराइज़ भी देख लिया, देखो जैसे 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 सूरज निकल रहा है ना, वैसे वैसे बादलों पर रोशनी पड़ रही है। देखो वो बादल पीले होते जा रहे हैं, देखो ना, जैसे कि अभी वो उस तरफ वो वाइट था, वहाँ पीला हो गया, और अभी हल्का हल्का इस तरफ भी हो रहा है। और सनराइज़ हल्का हल्का दिख रहा है, क्योंकि वेदर थोड़ा साफ़ नहीं है, बारिश का मौसम है, तो इसलिए ऐसे ही दिखना पड़ रहा है।
हालांकि ठीक है, बढ़िया है, सनराइज़ का व्यू बहुत मज़ा आया देखने में आज मेरे को। और इसी स्पेशलिस्ट के लिए मैं आया था आज यहाँ पर नगर कोट पे ऊपर, वो इतना हाईएस्ट ऊपर है कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। और आप देख रहे हो वो सारे बादल हैं, बादल हैं, वो सारे कोई ओस का बोल नहीं है, सिर्फ बादल हैं, वो सामने पहाड़ बने हुए हैं, तो बहुत ही ऊपर पहाड़ की चोटी पर है। अभी सुबह सिर्फ आधा ही निकला है, हल्के 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 जब ऊपर आएगा पूरा दिखेगा यहाँ से। मगर सूरज की जो किरणें होती हैं देखो, एक दो अब तीन हो गई हैं, अब चार हो गई हैं बल्कि, और एक उस तरफ, दो तीन चार, चार किरणें हैं। और अभी इस तरफ देखो वेदर कैसा है, देखो अभी सारा यहाँ पर एक तरफ अभी अंधेरा है और एक तरफ निकल रहा है यहाँ से दिन। तो यह भी एक चीज़ देखने लायक है भाई अपनी लाइफ के अंदर, कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पर देखो कितना कितना सफ़ेद जो बादल था सब पीला कलर का हो गया, सनराइज, रियल सनराइज जिसे कहते हैं। हालांकि बादल के पीछे है सन, तो उसके लिए सनराइज जो है आपको बादल के पीछे दिख रहा है, मगर वो अभी इस टाइम थोड़ा सा बारिश का मौसम भी था, रात को बारिश हुई थी तो फोगी इलाका, फोगी तो खैर नहीं है, बस थोड़ा बादल के पीछे है। और यहाँ तक वो निकल गया दिन, और यहाँ से ये आपका अगर इस साइड देखेंगे तो अभी यहाँ से रात, अभी सभी हल्की हल्की यहाँ रात है। भाई देखो सामने सूरज थोड़ा ऊपर तो आया, बट अभी भी बादल के पीछे ही है। मुझे लगा अच्छा भी मिल रहा थोड़ी आगे से, बट नहीं मिला, सनराइज देखा, पर जो आप देखा मुझे ये सब पहाड़ है, बादल हैं, बादल, और ये सब पहाड़ है, और सारे ये माउंट एवरेज है जितने भी बने हुए, आपको अलग अलग सब माउंट एवरेज दिख जाएंगे यहाँ से। तो आज का हमारा सफ़र यहीं तक का था नगर कोट के अंदर सनराइज़ का, तो चलते हैं अपने होटल की तरफ और दिखाएंगे आपको गांव का कुछ दृश्य है, क्या ही व्यू आता है गांव का यार। एक चाय दूध वाला, सनराइज़ देख लिया, अभी थोड़ा सा पेट में है, भूख भी लग रही है। अभी जाके आगे ना एक टावर है, वहाँ से भी दिखता है थोड़ा सा क्लियर, पूरा नगर कोट का वेदर भी दिख जाएगा वहाँ से, सनराइज़ भी दिख जाएगा। और अभी तो थोड़ा सा बादल के पीछे है, और वेट करूँगा मैं अभी इसके लिए, एक चाय पी लेता हूँ यहाँ से, चाय पी लेता हूँ, चाय पी के बाद चलता हूँ, तो लग रही उड़ता है भूख इस टाइम। दे दे चाय, ये कुछ यहाँ पे दुकान है आंटी जी की चाय की, यहाँ पे चाय मिल रही है 40 रुपये की एक नेपाली, ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू। कुछ साथ में मिल जाएगा इसके, कुछ साथ में खाने का होगा, हाँ राइट। ये कितने का है? 10 नेपाली, 10 रुपये का ये है, दो 40 रुपये की चाय, बहुत ही बढ़िया, सुबह सुबह मिल जाए तो क्या ही बात है। चल के चाय का एंजॉय लेते हैं, पहाड़ों के ऊपर नगर कोटे तो गांव के अंदर, क्या ही मैंने सनराइज़ का व्यू देखा है, मज़ा आ गया देख के। तो अगर आप नगर कोट आते हो तो आपको यहाँ पर रात को आना पड़ेगा, यहाँ रुकना पड़ेगा, कि उसके बाद आप सुबह के टाइम देख सकते हो सनराइज़ का व्यू। और यहाँ से बहुत सारे आपको माउंट एवरेस्ट देखने को मिल जाएंगे, अन्नपूर्णा माउंट एवरेस्ट है यहाँ पर, और हिमालय की चोटी यहाँ से दिख जाती है आपको, और चाय भी है। चलो चाय वाय पीता हूँ पहले भैया, बहुत टाइम हो गया, भूख लग गई सुबह सुबह। तो मैंने नगर कोट के अंदर जो चीज़ एक्सप्लोर कर ली थी वो थी हमारी सनराइज़ कहाँ से होता है और कैसा व्यू आता है, और कौन कौन से माउंटेन यानी पहाड़ दिखते हैं हमारे को जो कि पर्वत की चोटी होती है। तो मेरा यहाँ पे अब जैसे मैं आया था वैसे ही जाऊँगा, अब इस ब्लॉग को मैं पूरा सेपरेट रखता हूँ। अब जैसे आप अगर आप आते हैं यहाँ पर नगर कोट के लिए, तो आपको यहाँ से मैंने बस ली थी, न्यू बस स्टैंड से बस मिलेगी भक्तापुर, भक्तापुर से फिर आपको यहाँ से एक बाइक या बस जो मिले वो कर लेना, और जैसे आए हो वैसे जाना है आपको, ठीक है। चलो ये अब मैं आप, अगर आपको इसके बारे में कुछ भी जानना हो तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन दे दूँगा और नंबर दे दूँगा, तो मुझसे आप पूछ सकते हैं कोई दिक्कत लगे नेपाल के अंदर घूमने में। और ये है मेरा होटल का जो मैं रात को यहाँ आकर रुका था, तो ये है मेरा रूम, मेरा अभी बैग पड़ा है, ये खाना रखा है, चार्जर वार्जर बैग, और यहाँ का जो व्यू है कुछ इस तरह आता है बाहर का, या विंडो भी थी ये इसकी विंडो थी, यहाँ तो कुछ ऐसा व्यू आता है। गांव काफ़ी अच्छा है नगर कोट घूमने लायक है, एक्सप्लोर करने लायक है, तो आप कर सकते हो यहाँ पर आके। मैंने तो पूरा का पूरा ब्लॉग शूट कर लिया, ये काफ़ी अच्छा रहा नगर कोट का भी व्यू, तो आप घूमने आ सकते हो। बाकी देखते हैं अब
आपको कहाँ जाना है बाकी आप जा सकते हो। तो फिर मिलूंगा मैं आपको अगले ब्लॉग के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय एंड बाय बाय। तो भाई सुबह सुबह जब वहाँ से निकलने की आप तैयारी करेंगे तो आपको बस वहीं से मिल जाएगी, क्योंकि सुबह के टाइम बस वहाँ से पन के चलती है। और ये देखो भाई नज़ारे खिड़की से देखो भाई, अभी भी देखो भाई साहब बिल्कुल हरी भरी। और ये देखो कुछ लेडीज, अरे भैया देखती भी जा रही है मेरे को, ये कहते शूट कर रहे हैं भैया, मैंने स्लो मोशन कर दिया ताकि दिख जाए मेरे को भी, हाँ भाई कैसे मेरे को देख रहे थे ये। और भाई पहाड़ों के नज़ारे देखो, अरे भाई बाबा ये देखो नज़ारे, ये होते नज़ारे हरियाली, ये होती है हरियाली भाई साहब, मज़ा आ गया मज़ा आ गया। जाते टाइम भाई साहब ऐसे नज़ारे दिखे मेरे को कि भाई जिसको कोई हिसाब नहीं, वाह भाई वाह मज़ा आ गया भाई। आई होप कि अगर आप आते हैं नगर को घूमें, इंजॉय करें, एक्सप्लोर करें, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, शब बखैर।